उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी और जय हिंद अभियान के गोपाल सिंह ने बोरीवली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मुंबई से सटे घोड़बंदर रोड का नाम बदलकर बीर चिमाजी अप्पा रखने की मांग किया है। गोपाल शेट्टी ने कहा कि रास्ते का नाम बदलने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने निवेदन भी दिया है और हम यह मांग करते हैं कि घोड़बंदर रोड का नाम बदलकर बीर चिमाजी अप्पा किया जाए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इतिहास है। इस संबंध में अगर ज़रूरत पड़ा तो जन आंदोलन भी किया जाएगा। पेश है एक खास रिपोर्ट। और मेरा ये विषय मुझे लगता है कि बहुत लंबे लंबे तक पहुंचा है, इसलिए गोपाल सिंह और उनके सभी साथी पदाधिकारी गत 15 दिन से मेरे संपर्क में है। एक बहुत बड़ा निवेदन भी उन्होंने मुझे गाँव के लोगों का दिया। 2-3 बार बातचीत करने के बाद में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था भी उन्होंने की और मुझे कहा कि साहब आप आइए, तो मैं यहाँ पर आया हूँ और निश्चित मैं इस काम में उनको सहयोग देने की मेरी मनोमन इच्छा है। लेकिन ये लोकल विषय जो होता है, लोकल लोगों ने उसको हैंडल करना है। मैंने एक अपने राजनीतिक 30 साल के प्रतिनिधित्व जीवन में इस डेकोरम को मेंटेन किया है, मैं सभी को साथ में लेकर चलता हूँ। इसलिए ये नामकरण को अगर बदली करना है तो वहाँ के लोकल लोगों ने आगे आकर करना चाहिए, वहाँ के जो विधायक होंगे, सांसद होंगे, उन्होंने इसको पहल करना चाहिए और उसमें मेरा जो भी सहयोग और योगदान की आवश्यकता होगी वो मैं निश्चित देने का प्रयास करूँगा। वैसे गोपाल सिंह ने बताया कि ये घोड़बंदर नाम का कोई उतना बड़ा मायना नहीं है, घोड़ों का बाजार होता था या तो फिर घोड़बंदर में रेती निकाला जाता था, रेती का भी एक बंदर हुआ करता था, ये इससे उसका नाम हुआ होगा। लेकिन बदले हुए समय पर एक देश के प्रधानमंत्री ऐसे हमको मिले जिन्होंने पूरा क्रांति देश में लाया और जो महापुरुषों को फिर एक बार उन्होंने लाइमलाइट में लाकर लोगों के सामने रखा है, जिससे हमको हमारे आने वाले पीढ़ी को कुछ प्रेरणा मिले और यही सही समय है कि हम महापुरुषों को फिर एक बार कहीं ना कहीं प्रस्थापित करें। इसलिए मैं स्वयं चाहूँगा कि ये जो रोड का नामकरण का जो भी बदलाव करना है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं ऐसा हमेशा मान के चलता हूँ कि भगवान जब कोई किसी को भी मेरे पास भेजते हैं तो ये आप नहीं आते हो और मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये परमात्मा ही ऊपर से सब करवाते हैं। तो मेरे मन में एक दूसरी बात आई, ये वीर चिमाजी अप्पा का एक राइटअप मेरे हाथ में है और जहाँ तक मेरा स्मरण है तो कल मैंने पेपर में भी उनका एक आर्टिकल पढ़ा और आज योगा योग लोकसत्ता में आज़ाद मैदान जवल लोकशाही चौक साकरना, इस प्रकार आज़ाद मैदान पर बहुत सारे आंदोलन होते हैं और वहाँ के सर्कल को आज़ाद लोकशाही चौक का नामकरण करके सरकार करने की सोच रही है। तो ये जो घोड़बंदर रोड पे फाउंटेन जंक्शन जिसको हम आज कहते हैं, वो फाउंटेन होटल के नाम से पड़ा है, मुझे फाउंटेन होटल से लेक लगाव इसलिए कि एक आइसोलेटेड जगह पर उन्होंने उन दिनों में होटल बनाकर एक अच्छा नाम आज एस्टेब्लिश किया है। वो कौन से धर्म के हैं वो अपने लिए सेकेंडरी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अच्छा करता तो उनको, और वो फाउंटेन का नाम कोई वो उन्होंने आगे नहीं लाया, लेकिन फाउंटेन होटल है तो फाउंटेन होटल का जंक्शन आ गया। ये जो रोड का काम चालू हुआ है, आप सबकी जानकारी के लिए 100% मेरा सहमति होगी और मुझे लगता है कि जितना सुनने के बाद में कार्यकर्ताओं ने संग्राम वीर संग्राम फाउंडेशन के लोगों ने कामकाज किया है, जो पेपर मैंने देखे हैं, मुझे लगता ना कि इसको मैंने पार्लियामेंट में या तो महाराष्ट्र के विधानसभा में उठाने की आवश्यकता है, ये जनता के अदालत में हम उठाएंगे और ये कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी कोई बात आ जाएगी तो फिर उसके लिए तो हम है ही ना, हमारे पास विधायक है, हमारे पास सांसद करके मैं हूँ, लोकल सांसद है, सारे लोग मिलकर उठाएंगे, इसमें मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे आप बताइए, ये वीर चिमाजी अप्पा जी का जन्मदिवस कभी है? 1700 है, पहले करीबन 1700 में वीर चिमाजी अप्पा जी करके एक पेशवा थे, उन्होंने यहाँ से पुर्तगालियों को गुजरात तक उन्होंने भगाया था। और आप देखेंगे वसई का जो किला है वहाँ पे वीर चिमाजी अप्पा जी की मूर्ति भी है। तो हमारा मानना ऐसा है कि जब पहले इसके पहले पुर्तगालियों और अरबियों में घोड़े का व्यापार हुआ करता था, इसलिए इस रोड का नाम घोड़बंदर रोड पड़ा है, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई तुक नहीं है। अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि घोड़बंदर रोड का मतलब क्या है तो किसी को इसके बारे में पता नहीं। अच्छा, ये हम इसलिए घोड़बंदर रोड का नाम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हम अभियान चला रहे हैं जय हिंद अभियान, ये अभियान उन सारे क्रांतिकारियों के लिए समर्पित है। इस अभियान में हमारे साथ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, बट्टू केशवर दत्त, अशफाक उल्ला खान, सारे क्रांतिकारियों के परिवार के लोग हमारे साथ हैं और उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए, उचित सम्मान दिलाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये बात आई
और हमने इसका ज्ञापन मंत्रालय में भी दिया हुआ है। हमने घोड़बंदर रोड के जो स्थानीय नगर सेवक हैं उनको भी हमने इसका ज्ञापन दिया है। सबका मानना है कि नहीं इसका नाम चेंज होना चाहिए और इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने सर से मिले और सर ने बोला आपका सराहनीय कार्य और इसमें हम आपके साथ में हैं।